तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करके इनफाइनाइट लेटर प्रॉब्लम्स है। हालांकि बोर्ड्स में इसके सवाल काफी कम आए, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में थोड़ा ज्यादा आता है इसका सवाल। तो चलो, कम्पिटेटिव का सोचते हैं, वही इसमें दिमाग लगाओ। बोर्ड्स का सोचे तो दिमाग लगा सकते हो, आपके ऊपर है। चलो, बोला है कि ए और बी के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, और समझने वाली बात यह है कि द लेटर इज इनफाइनाइट, आई मीन द सीरीज इज इनफाइनाइट। यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 करके हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। कहां तक है इनफाइनाइट तक, ये मत बोला कि 10 है 15 है, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर इनफाइनाइट है। ठीक है, यानी कि सब प्रॉपर इनफाइनाइट क्या होता है, मतलब अनगिनत है, खत्म ही नहीं होगा। तो बोला है ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस, तो आप लोग बोलेंगे कि सर ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस है, सर हमारा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, सॉरी दरवाजा खोलना था मुझे, ए और बी के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस है सर, वो तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है बेटा, इट डिपेंड्स, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में कैपेसिटेंस कम होता है और पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, कम हो रहा है बढ़ रहा 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 है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमको नहीं पता, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, इनफाइनाइट लेटर पावर को कैलकुलेट करने का तरीका अच्छे से सुनना। कोई तरीका नहीं है, हमको पहली बात रिपीटिंग पैटर्न निकालना है। क्या निकालना है, जो चीज रिपीट हो रही है। पहली बात, कौन सा चीज रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से हमारा पहला सेट बनेगा, सुनना अच्छे से। जिन दोनों पॉइंट के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, सुन लो अच्छे से, जिन दोनों पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, वहां से पहला रिपीटेटिव सेट ढूंढो। ए और बी में अगर मैं रिपीटेटिव सेट ये ढूंढू, ये टू और ये टू रिपीटेटिव सेट है मान ले, तो इसका नेक्स्ट रिपीटेटिव सेट क्या होगा, ये टू और ये टू, फिर क्या होगा, ये टू और ये टू, लेकिन एक गलती तो हो गई भाई, ये वन को तो हम भूल गए, वन को तो हम भूल गए। तो क्या मैंने जो कंसिडर किया रिपीटेटिव स्टेप, वो कंसिडर होगा, वो कंसिडर नहीं होगा। क्यों कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हम कोई कैपेसिटर को छोड़ नहीं सकते। व्हेन यू मेक ए सेट, यू मेक श्योर दैट एवरी कैपेसिटर इज इंक्लूडेड इन इट। ओके, तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं, ये करते हैं। पता नहीं रेड मार्कर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको एक रिपीटेड सेट मान लेते हैं, 2 1 2, नेक्स्ट रिपीटेड सेट ये हो जाएगा 2 1 2, नेक्स्ट हो गया, फिर ये वाला हो गया। ऐसे कितने सेट्स हैं हमारे पास, इनफाइनाइट सेट्स है। तो नंबर ऑफ सच सेट, कितना ऐसा सेट है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहला सेट को हटा दिया, पहला सेट को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, बाकी सारे सेट्स। मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अच्छा से देख, ये टू है, ये टू है, नामकरण हम अपने को फिर से करना पड़ेगा भाई, ये टू है, 1 1 1 2 2 2। ठीक है, हमको बोला है कि नेट कैपेसिटेंस निकालना है, सुनो अच्छे से। एक बात मेरे को पता, मैंने पहले सेट किया था इनफाइनाइट, यहाँ पे कितने सेट है, इनफाइनाइट -1। अच्छा, इनफाइनाइट -1 क्या होता है, व्हाट इज इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट -1 इज इनफाइनाइट ओनली, हम सबको पता है। यानी कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, यानी कि इसको भी हम ए और बी ही लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी ही लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बता, लेट नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू सी, मान लो जो नेट कैपेसिटेंस है इस सर्किट का क्या है, सी। तो एक बात बता, ये इनफाइनाइट -1 वाला जो हमने बनाया है, यानी कि पहले वाले को हटा दिया, इसका भी नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी ही ना होगा, इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी। यानी ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी। अब क्या करेंगे हम, पहला वाला सेट को वापस लेके आ जाओ, पहला वाला सेट जब वापस आएगा तो ऐसा होगा कि नहीं, ये पहला वाला सेट को वापस लेके आ गया, ये टू है, ये टू है और ये वन है, ये पॉइंट हमारा पहला वाला ए था, ये पॉइंट हमारा पहला वाला बी था, और इन दोनों के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस क्या था सर्किट में, सी। तो मैंने क्या कहा, ये वाला का भी नेट कैपेसिटेंस सी है, तो इसको मिटाकर ये क्यों नहीं कह सकते कि ये वाला
वो उसको मिटा के उसके पूरा उस पूरे के कैपेसिटेंस को हमने क्या माना, सी? तो ये मान सकते हैं कि नहीं, ये मान सकते हैं कि नहीं? अब ये वाला थोड़ा आप लोगों को डाउट रहा होगा कि सर ने क्या कर लिया अचानक। मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखो अच्छे से सुनना, ए और बी है हमारे पास सेट है, ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं। मैंने पहला सेट को इग्नोर किया अभी के लिए, पहला सेट को अभी के लिए भूल जाओ, ये पहला सेट को अभी के लिए भूल जाओ, किसी तरीके से कपड़ा गंदा है लेकिन भूल जाओ। तो डायग्राम में कोई चेंज आएगा? डायग्राम में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि इन दोनों पॉइंट को भी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, इफ यू कंसिडर दीज टू पॉइंट ऑल्सो, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी जो नेट कैपेसिटेंस है वो सी ही है। तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर नेट कैपेसिटेंस सी है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस सीधा एक कैपेसिटेंस सी बना दिया, सीधा एक कैपेसिटेंस सी बना दिया, और हमारा आगे का 1 2 2 तो था ही पहले से। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अभी ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस क्या है, सी। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस सी था। कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं पढ़ा रहा। एक आखिरी बार बता रहा हूँ, सुन लो। पहला सेट को इग्नोर करो, हमने ये देखा कि सेकंड सेट से कोई चेंज ही नहीं है। इनफैक्ट सेकंड सेट, अगर पहले सेट को इग्नोर भी कर दे तभी सेकंड सेट से डायग्राम सेम ही आ रहा है। सेम आ रहा है मतलब क्या? सेकंड सेट से नेट रिजल्टेंट क्या होगा? सी। तो सेकंड सेट से नेट रिजल्टेंट सी है, यानी सेकंड सेट से नेट रिजल्टेंट को हमने सी बना दिया। यहाँ पे पहला सेट प्लस सेकंड सेट से इनफाइनाइट तक का रिजल्टेंट सी बना दिया। अब ये नेट कैपेसिटेंस क्या है? सी। बात खत्म है। तो नेट कैपेसिटेंस एक बार निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे ये बता। वन और सी क्या है? पैरेलल में। तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा कि नहीं? ये हो गया आपका सी, सॉरी ये हो गया आपका टू, ये हो गया टू, ये हो गया सी प्लस वन, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए और बी के अक्रॉस जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या है? सी। क्योंकि ए और बी के अक्रॉस हमने नेट कैपेसिटेंस सी माना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें देख। ये तीनों क्या है? ये तीनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में होगा तो नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1। ये करेक्ट है कि नहीं? नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस 1/2। नेट कैपेसिटेंस क्या है? वो भी तो सी है। तो 1/3, 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1 प्लस 1/3 प्लस 1। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मैं ये वाला पूरा मिटा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा मिटा दे रहा हूँ, लिख लो तुम लोग पहले। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं। अगर मैं पूरे इक्वेशन को यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू सी प्लस वन प्लस वन बाई सी प्लस वन। सही है। तो 1/3 इक्वल टू सी प्लस टू बाई सी प्लस वन। ऐसा कर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सी प्लस वन इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टू सी। तो फाइनल इक्वेशन आया सी स्क्वायर प्लस सी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू आई माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस में 4 AC। सही है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस है यानी कि 2। ठीक है, नीचे वाला डायग्राम भी हम लोग मिटा देते हैं, जगह तो उतनी है नहीं। तो ये अगर रिजल्ट आप देखोगे तो रिजल्ट आपका आ रहा है -1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, माइनस वाला ऑप्शन को इग्नोर करते, क्योंकि माइनस ऑप्शन अगर हो गया तो पूरा रिजल्ट ही माइनस हो जाएगा और कैपेसिटेंस निगेटिव हो नहीं सकता। तो द फाइनल रिजल्ट इज -1/2। बहुत बढ़िया रिजल्ट था, और ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला टॉपिक रिपीट होगा। इनफैक्ट मैंने आपको किरचॉफ लॉ पढ़ाया है, किरचॉफ लॉ के बाद इनफाइनाइट लेटर सीरीज कराया, एक सवाल कराया, तो और भी सवाल होते हैं सेम सेम टाइप के, या मैंने जितना भी आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कराए सबके सब सेम रिपीट होता है करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तब मैं आपको बेसिक वगैरह दिखाऊंगा और आपको मैं बोलूंगा खुद ट्राई करो, क्योंकि आप अगर कैपेसिटर में कर सकते हो तो वहां पर भी कर ही सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज भी रिपीट होगा, ठीक है, और इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस उसी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, लेकिन अभी भी कराई देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रूफ कराई देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बोला ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है एक्चुअली? सी वन और सी थ्री इनिशियली किस में थे? सीरीज में थे। सेम आपका कहानी सी टू और सी फोर के लिए भी, लेकिन बीच में एक ब्रिज डाल दिया सी फाइव का। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए इसको इसका लास्ट लेटर जो ब्रिज है उसका सिग्निफिकेंस ये है। अब व्हीट स्टोन क्यों बोला? शायद कोई व्हीट स्टोन ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता होगा, उसका कोई अपने को फिजिक्स से कोई मतलब रिलेशन नहीं है। खैर जो भी है, बोला ही गया है कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन ये होता है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन ये होता है कि जब
C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4, यानी कि एडजेसेंट कैपेसिटर्स का रेशियो सेम हो, C1 by C2, C3 by C4, एडजेसेंट कैपेसिटर्स का रेशियो सेम हो, तब बीच वाला जो कैपेसिटर होगा उससे कोई चार्ज पास नहीं होगा। कोई चार्ज पास नहीं होगा मतलब ये अनचार्ज है, यानी कि इसको आप रिमूव कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, बीच वाले से कोई करंट या चार्ज पास नहीं होगा। ठीक है, ये थ्योरी बोलता है। इसको हम डेराइवेशन करेंगे, तो डिराइव करते हैं यहाँ पे। कैसे ड्राइव करेंगे, देखो डिराइव हम लोग थोड़ा उल्टा तरीके से करते हैं। इफ ये है तो ये है, ये रिजल्ट है कि नहीं, ये रिजल्ट है कि नहीं, लेकिन हम ड्राइव क्या करेंगे, इसको मान के ये ड्राइव कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, इसको कंडीशन मान के ये ड्राइव कर देंगे। बात तो एक ही है, ए से बी आया, बी से ए आया, बात तो एक ही है, और एनसीईआरटी में भी इसी तरीके का ड्राइवेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ C5 इज अनचार्ज, ऐसे शुरू करेंगे। अगर C5 अनचार्ज है, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V है। ये बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये पॉइंट का पोटेंशियल मान ले V1 है और ये पॉइंट का पोटेंशियल मान ले V2 है। ये बात समझ में आया। अच्छा एक और बात, अगर C5 अनचार्ज है, मान ले यहां से चार्ज Q1 आया, Q1 आया, तो Q1 यहाँ पे अपना एक हिस्सा भेजेगा और नीचे की तरफ एक हिस्सा भेजेगा, लेकिन बोला क्या है, इफ C5 इज अनचार्ज, यानी कि यहाँ से कोई चार्ज नहीं जा रहा, यहाँ से कोई चार्ज नहीं जा रहा, यानी कि सारा का सारा चार्ज कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे मान ले Q2 चार्ज आया, मान ले बैटरी ने कितना चार्ज निकाला, Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो बैटरी ने Q1 प्लस Q2 निकाला, तो Q1 यहाँ पे गया, Q2 यहाँ पे गया, Q2 यहाँ पे गया, अगेन ये अनचार्ज से, ये अनचार्ज, तो इससे ना कोई चार्ज आएगा ना कोई चार्ज जाएगा, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चले जाएगा, सारा का सारा चार्ज चले जाएगा C4, सॉरी। एंड फाइनली हमारे पास Q1 प्लस Q2 चार्ज यहाँ पे हमें मिल जाएगा और वो वापस बैटरी में आके घुस जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको चीज क्लियर हुआ। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, लेट V इक्वल टू V, वो तो ऑब्वियसली बात है, V इक्वल टू V होता ही है, V इक्वल टू V। ऐसा करो दोनों साइड में, दोनों साइड में इसको ऐसा लिख, लेट V इक्वल टू V, दोनों साइड में V1 माइनस कर दो, V1 से माइनस कर दो, तो V1 माइनस V इक्वल टू V1 माइनस V लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा V1 माइनस V क्या होगा, Q1 बाई C1। ये V1 माइनस V क्या है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, इसका चार्ज कितना है Q1, कैपेसिटर कितना है C1, तो Q1 बाई C1 इक्वल टू V1 माइनस V क्या होगा, Q2 बाई C2, Q2 बाई C2। क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये पहला चीज क्लियर हुआ। सेकेंड अगेन V इक्वल टू V लिखो, V इक्वल टू V लिखो। अब ऐसा कर दोनों तरफ V2 माइनस करते हैं, V माइनस V2 इक्वल टू V माइनस V2। अच्छा V माइनस V2 क्या होगा, Q1 बाई C3, V माइनस V2 क्या होगा, Q2 बाई C4। यहां से अगेन हमको मिल रहा है Q1 बाई Q2 इक्वल टू C3 बाई C4। आधे बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS सेम है। LHS अगर किसी इक्वेशन का सेम होता है तो RHS भी सेम होना पड़ेगा, यानी कि C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। इसको कोई लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी बोलता है, C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। समझ में आया कि नहीं, C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। अगेन एडजेसेंट का रेशियो सेम होना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, C1 बाई C2 इज इक्वल टू C4 बाई C3, उल्टा नहीं जाना है, C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4, ऐसे जाना है, घूम के नहीं आओगे। समझ में आया, किसी किसी किताब में और स्टाइलिश वे में दिया हुआ है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा C1 C4 इक्वल टू C3 C2, ये भी बोलते हैं। C1 C4 मतलब क्या है, अपोजिट वालों का प्रोडक्ट सेम रहता है, यानी कि C1 C4 इक्वल टू C2 C3, अपोजिट वालों का प्रोडक्ट सेम रहता है। अगर अपोजिट वालों का प्रोडक्ट सेम है, यानी कि बीच वाला अनचार्ज होगा और उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में, आई होप, अब मुझे नहीं लगता कि इस बात में किसी तरीके की आप लोग को परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक बार लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, लिख ही लिया होगा यार अभी तक तो। तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, देखो नेट कैपेसिटेंस जो होगा, जो हमारा नेट कैपेसिटेंस आ रहा है, उसमें हमको पता है कि C5 का कोई किरदार नहीं है, C5 का कोई किरदार नहीं है, तो भैया C5 को भूल जाओ,
C5 को अगर हम लोग भूल गए तो ये दोनों क्या है सीरीज में, C1 और C3 अगर सीरीज में है तो C1 और C3 का रिजल्ट क्या आएगा, C1 C3 बाई C1 प्लस C3 प्रोडक्ट बाई सम, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी क्या है सीरीज में है, यानी इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा C2 C4 बाई C2 प्लस C4, ये बात समझ में आए कि नहीं। अच्छा इसका और इसका पैरेलल में ना दोनों, इसका रिजल्टेंट ये, इसका रिजल्टेंट ये, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, यानी दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। बस ये आपका रिजल्टेंट है, अब इसको आप शॉर्ट करके जो करना है करो यार, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, ठीक है, कोई भी डाउट ठीक है लिख लो, ये आपका रिजल्टेंट आता है CNET। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, अगर कुछ निकल के आता है तो आएगा, वैसे कोई मतलब नहीं है, हमको जब एग्जाम में देगा तो हमको वैल्यूज देखे रहता है कि ये 2 है, ये 3 है, वो 4 है, ये 6 है, ऐसे करके वैल्यूज देखा रहता है, उसमें सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पहली बात ये तो पता है आप लोग को, बैटरी कनेक्ट होती है ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, C1, C2, C3, C4 ये बीच वाला C5, अगर रेशियो सेम होता है तो बीच वाला हट जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम वाइज बता रहा हूँ कि क्या डायग्राम आपको मिल सकता है। पहला डायग्राम तो ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डायग्राम हो गया ये वाला, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या भाई, कोई अंतर नहीं है, ये वाला वायर को बस ऐसा कर दिया है, वायर को तो चढ़ा मढ़ा कर ही सकते हैं, तो ये वाला भी समझ में आ गया और ये वाला भी समझ में आ गया होगा, बस इसमें कैपेसिटर यहाँ लगाया है और इस वाले में कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे लगाने की वजह बात तो एक ही वायर में लग रहा है। तो पहला तीन डायग्राम हमको क्लियर है, यानी कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पहले वाले की और इन दोनों की, ठीक है। अब बाकी वाला समझाता हूं मैं आप लोग को, जो सेकंड वाला डायग्राम है ये CBSE 2013 में पूछा गया था कि इज दिस ऑल्सो ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, आप बोलोगे क्या पूछ क्या रहा है। पहली बात, इसमें कैपेसिटर यहां लगा है, बैटरी यहां लगी है, इस केस में बैटरी जहां पे कैपेसिटर था वहां पे बैटरी लगा दिया और जहां पे बैटरी था वहां पे कैपेसिटर लगा दिया। अब बोला कि क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है देखते हैं कैसे। एक बात मेरे को बता, ये जो वायर है अच्छा इस वायर को छोड़, इसको देख, बैटरी वाले वायर को देख, बैटरी वाला क्या है, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, बैटरी किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो मैं क्यों ना इस बैटरी को मिटाकर अच्छा एक चीज में से गलती हो गई, मेरे को याद नहीं कि पहले बैटरी कैसा था, बैटरी मान लो पहले ऐसा था, मान लो पहले ऐसा था, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता हूं, ऐसा भी तो बना सकता हूं, इसको मिटा दिया मैंने, तो कोई डिफरेंस है क्या बेटा इस बैटरी में और इस बैटरी में, बस वायर का डिफरेंस है, वायर मैंने पहले अंदर दिया था बाहर की तरफ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वायर ही तो है, समझ में आया। अच्छा ये जो कैपेसिटर है ऐसे कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर को मैं है तो कनेक्टेड बी और डी के बीच में ना भाई, सॉरी सी और डी के बीच में कनेक्टेड है ना बेटा, तो सी और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो मैंने सिंपली क्या बोल दिया, इसको डायरेक्टली सी और डी के बीच में कनेक्ट करा और बाहर वाला डायग्राम को मिटा दो, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इनफैक्ट डायग्राम हमारा और सिंपल हो जाता है। अब तो बेटा समझ में आ गया होगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अच्छे से देख, इस पूरे डायग्राम को ऐसा कर दे, आया कि नहीं समझ में, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, एंड इसमें भी सब कुछ फॉलो होता है, ठीक है, ये आई होप ये दोनों भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, पूछा गया था, अच्छा सवाल था वो वाला, और ये वाला सवाल एग्जाम में, मतलब मैंने 2013 में बोर्ड्स किया था, 2013 में बोर्ड्स किया था, तब मेरे को ये सवाल मिला था, और ये मैंने सवाल को भी देखा ही नहीं पहले, तब थोड़ा माथा मारना पड़ा था, लेकिन हो गया था, उतना कुछ कठिन है नहीं है, ठीक है, माथा और क्या मारना पड़ा, समझ में आ ही जाता है यार देख के, ठीक है, ए और बी के बीच में मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तुम अच्छे से देखोगे इसको नाम दे दे पॉइंट ई और इसको दे दे एफ, ठीक है, इसको मैं दे दे रहा हूं ई और इसको दे दे रहा हूं एफ, ठीक है, तुम ऐसे देखो, पहले चार पॉइंट है ए बी ई और एफ, ऐसे बना लो एक बार, ए बी ई और एफ एक बार बना लो, ठीक है, ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर है, कौन सा है बेटा, C1, तो ये वाला तो काम हो गया, ए और एफ के बीच में C2 है, ई और एफ के बीच में एक और है, ये भी हो गया, एफ और बी के बीच में C4 है, और
और बी के बीच में सी थ्री है। देख सेम सेम डायग्राम है बेटा, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं प्लेप्लिक है। अब तुम अच्छे से देखोगे ना इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, बस वायरिंग का फर्क है। तो ऐसा कर कि इसको पूरा पहले एक वायर का वो मान ले, वायर का शेल मान, वायर जो होता है ना तार से बना हुआ है मान ले। इसको डायग्राम मत सोच, रियलिस्टिक रियलिस्टिक सोच के पूरा प्रॉपर वायर है यहाँ पे, ये सब वायर है प्रॉपर स्टील के वायर पे जो बेंड हो सकते हैं। अब तू ऐसा कर ई वाले पॉइंट को एफ वाले पॉइंट को ऐसा स्ट्रेच करो खींच, ये बन जाएगा देखना। ई वाले पॉइंट को और एफ वाले पॉइंट को स्ट्रेच करेगा। अच्छा एफ वाले पॉइंट को अगर मैं स्ट्रेच करके यहाँ पे लेके आ गया तो क्या मिलेगा मुझे, देख अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये C2 हो गया, C4 हो गया। E वाला पॉइंट को ऊपर लेके चले जा, E वाला पॉइंट अगर ऊपर आ गया तो ये कैपेसिटर यहां जाके लग जाएगा और ये वाला डायरेक्टली आ जाएगा। ऐसा तुम अच्छे से देखोगे इस डायग्राम को थोड़ा मैं सीधा कर देता हूं, और इस डायग्राम को भी थोड़ा सीधा कर दे C3 को। तो बात बता इसको भी और अच्छा कर दे भाई। तुम अच्छे से देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। थोड़ा सा मतलब वायरिंग का फर्क है लेकिन वायर को आप ठीक कर सकते हो C1 बस। अच्छे से देख ये 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 ये, ये, ये। समझ में आया कि नहीं, आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा, बना लो भाई ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला आपके पास ये बचता है। अब ये वाला भी कुछ कठिन नहीं है, ये वाला भी लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन है क्या बना दिया ये, और ये शायद नहीं नहीं ये उसमें आया था प्रीबोर्ड में आया था, केवी के प्रीबोर्ड में, केंद्रीय विद्यालय के प्रीबोर्ड में आया था। कुछ नहीं है, पूरा का वायर का सिस्टम मान, पूरे का वायर वायर का सिस्टम मान। इस बी को उठा के मतलब बी का वायर ऐसा है ना, इसको उठा के ऐसा रख दे तो बी हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। और ये वाला पार्ट को अच्छे से देख, दिस पार्ट ये 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 तीनों पार्ट को वायर का मान और इसको इसके अबाउट टर्न कर दे, समझ में आया कि नहीं। इसको फिक्स्ड रख और इन तीनों को टर्न कर दे, तो ये मान ले तेरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो टर्न करेंगे तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं, मिरर इमेज मान ले C1 C2, तो टर्न कर दिया तो ये मिटाना पड़ेगा। अरे इन शॉर्ट इसको उठा के हमने ऐसा रख दिया है तो व्हीटस्टोन ब्रिज ना, समझ में आया कि नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा ठीक है, शायद थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम हो गया होगा, मैंने ब्लैक मार्क को मिटा दिया है। अभी शायद आप लोगों को प्रॉपर क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल किस टाइप से आते हैं और किस डिफिकल्टी नहीं है। बस आपको अगर सारे तरीके पता है ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई ऐसा कुछ कठिन बात है नहीं ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ सवाल मैं आपको कराता हूँ, कुछ सवाल कराते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, नॉट दैट डिफिकल्ट ठीक है। मान लो बोल दिया फाइंड नेट कैपेसिटेंस, ये मान लो 2 फैरेड है, 3 फैरेड है, 4 फैरेड है और 6 फैरेड है और बीच वाला 5 फैरेड है। तो ये बता एडिशन का रेशियो कितना है, 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6 होता है कि नहीं, 2 बाई 4 और 3 बाई 6 का वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं, हो रहा है भाई। 2 और 4 कैंसिल, 3 और 6 कैंसिल, हाफ ऑफ दोनों तरफ आ गया, मैच हो गया, यानी कि 5 माइक्रोफेरेड का कोई काम नहीं है। जब 5 माइक्रोफेरेड का कोई काम है नहीं अब तो हो गया ना यार, 2 और 3 किसमें है सीरीज में, 4 और 6 किसमें है सीरीज में, उन दोनों का रिजल्ट क्या है पैरेलल में निकाल सकता है ना यार। ये तेरे को ऐसा सवाल देगा ये 6 वोल्ट का बैटरी है, फाइंड द टोटल चार्ज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी या फाइंड द चार्ज गोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर, क्या सवाल है, बेसिक पचकाने सवाल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। फिर विष्णु मुझ का एक और सवाल आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ एक ही बार में। ये सवाल जो बच्चे बड़े परेशान बड़ा परेशान हो जाते हैं, टू थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व, ये फोर और ये फोर मान ले ठीक है, बोलेगा फाइन नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कोई बड़ी बात नहीं है। देख पहले तो नीचे वाले को इग्नोर कर, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, टू बाई फोर इक्वल थ्री बाई सिक्स, हाँ बन रहा है तो बीच वाला हटाओ। अभी ऊपर वाले को इग्नोर कर दे,
4 8 6 12 बन रहा है, इस वाले को हटा। अरे भाई क्या कठिन है यार, बचकाने सवाल समझ में आ रहेगी नहीं, इस तरीके से 4 5 दे देगा, 6 7 दे देगा नीचे नीचे, कर सकते हो ना यार, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें ऐसे सवाल होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। आई होप अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है नोट डाउन कर लो बेटा। हाँ तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का, जहाँ पे बोला है कि मतलब यहाँ पे बेसिकली आप ट्रिक सीखोगे, सिंपल टर्म ट्रिक सीखोगे, सॉल्व कैसे करना है, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लेवल के सवालों को प्रॉपरली कम्पिटेटिव बेस्ड है, बोर्ड में तो चांस ही नहीं आने का, बोर्ड वाले वीडियो को ये पे खत्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहली बात, दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, और दोनों पॉइंट कोई मतलब दिस आर नॉट एक्चुअली ट्रिक, इट्स जस्ट लॉजिक। लोग बोलते हैं कि ये ट्रिक है, ट्रिक में कुछ ट्रिक नहीं होता, हर चीज लॉजिक से होती है, हर चीज का लॉजिक होता है, कोई चीज का कोई ट्रिक नहीं होता। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा तो आप दिमाग में आपके हिसाब से वो लॉजिक के हिसाब से सेट होगा और ट्रिक के हिसाब से सेट नहीं होगा। हालांकि मेरा बहुत मंशा था कि भैया लाइव मतलब फिजिकल क्लास में कराऊं, ये कोई बात नहीं। आई होप कि वीडियो में भी मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं समझ में आता तो मेरे को बोलना। सेम टॉपिक रिपीट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर प्रॉब्लम होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं सेम टॉपिक जूम क्लास से शुरू करा दूंगा। अभी तो आपका यूटी चल रहा है इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ। खैर आते हैं इसमें, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। पहले ये देख, जब भी तुमको ऐसे सवाल मिले कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज क्या है पैरेलल क्या है, पहली बात सॉल्व करोगे तो क्या सोचोगे, कहीं पे सीरीज पैरेलल निकल जा, नहीं तो कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज निकल जा। पहली बात कहीं सीरीज पैरेलल तो है ही नहीं, ना ही कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज। आप बोलोगे कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो दिख रहा है, लेकिन बेटा ये दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड होने चाहिए ना, ये दोनों तुम बोलोगे कि सर ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बीच में 1 फैराड कैपेसिटर आ गया, अब कैसे करें। ठीक है तो दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज नॉट ए सीरीज पैरेलल, हाउ डू वी सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए हमेशा स्टार्ट कर एक इमेजिनरी बैटरी लगा दे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ जिन दोनों पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है वहां पे इमेजिनरी बैटरी लगा, उसी से सॉल्व होगा, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल इमेजिनरी बैटरी लगा। कोई मैंने इमेजिनरी बैटरी लगा ली मान ले, ठीक है मान ले इस बैटरी से चार्ज कितना आ रहा है, 2Q आ रहा है, Q2Q आ रहा है, मैं बताता हूँ Q2Q आ रहा है, मैं बताता हूँ ठीक है। अच्छा तो एक बात बता, मान ले यार छोड़ यार बैटरी से कितना चार्ज आ रहा है छोड़, यहां से मान ले चार्ज क्यू जा रहा है, तो मेरे को एक बात बता, तुम स्ट्रक्चर को अच्छे से देख, एक बार अच्छे से देख स्ट्रक्चर को और खुद बता कि यहां से कितना चार्ज जाएगा, क्यू से ज्यादा कि क्यू से कम। बेटा ऊपर का जो रास्ता है नीचे का भी रास्ता वही है, इनफैक्ट द होल स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, द होल स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। तो यहां पे भी कितना जाएगा बेटा, क्यू ही जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 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 यहां पे 1 यहां पे 1, समझ में आ रहा है कि नहीं, द होल स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। तो हम लोग के हिसाब से यहाँ पे क्यों जाएगा, तो यहाँ पे क्यों जाएगा। नेक्स्ट बैटरी से कितना चार्ज निकला, 2Q, तो बैटरी में घुसना भी कितना चाहिए, कितना चार्ज चाहिए, 2Q, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली देख भाई सिमेट्रिकल एंट्री है, पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल एग्जिट भी होगा, यानी यहां से क्यों निकलेगा, यहां से क्यों आएगा, यहां से क्यों आएगा, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2Q। ये बात समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट चीज यानी कि क्यू चार्ज जो है, थोड़ा अच्छे से हम लोग सोचेगा, क्यू चार्ज जो है यहाँ से जा रहा है, क्यू चार्ज जो है यहाँ से जा रहा है। अच्छा तू एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बीए, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बीए। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान ले वी1 है, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो एक बात बता, ये दोनों पॉइंट को कंसिडर कर, ये दोनों पॉइंट को कंसिडर कर, ये पॉइंट का पोटेंशियल वीए है, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ऐसा ऐसा देख, VA माइनस V1, VA माइनस V1 इक्वल टू क्या होगा, Q बाई 2, सही बात है। इस पॉइंट को V2 मान ले, VA माइनस V2, VA माइनस V2 इक्वल टू क्या होगा, Q बाई 2। तो एक बात बता, दोनों को कंपेयर कर, V1 इक्वल टू V2 नहीं आ रहा तेरा, यानी कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये भी अगर V है तो ये भी V होगा, और क्यों ना हो, थोड़ा अंदाजा लगा यार, पूरा डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो ऊपर वाले में चार्ज क्यों, नीचे वाले में भी चार्ज क्यों, ऊपर वाले का पोटेंशियल भी, तो नीचे वाले का भी पोटेंशियल भी। यहां का पोटेंशियल अगर मान ले कुछ ये V1 है तो ये भी V1, ये V2 है तो ये भी ना V2 होगा, ये भी ना V2 होगा। ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से सोच, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दोनों तरफ चार्ज सेम जा रहा है, दोनों तरफ चार्ज सेम जा रहा है तो दोनों तरफ का कैपेसिटर भी सेम है, दोनों तरफ का कैपेसिटर सेम है, चार्ज भी सेम है, तो दोनों तरफ का Q/C सेम है, Q/C सेम है, और Q/C क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां से जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहां से भी उतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहां का पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू यहां का पोटेंशियल, आया कि नहीं बात समझ में।
ये सब चीजें जो दिमाग में तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो धीरे धीरे टाइम दोगे तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। तो एक बार बता, V1 और V1 के बीच में अपने को समझ में आ गया कि V1 और V1 दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है नहीं, तो यहाँ से कोई चार्ज जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज नहीं जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 फैरेड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। सिमिलरली ये 1 फैरेड भी एग्जिस्ट नहीं करता। खत्म भाई, आंसर हो गया। आंसर हो गया भाई, आंसर हो गया। 2 फैरेड, अच्छा 2 2 2 सीरीज में कितना हो गया भाई? 2/3। 2 2 2 कितना हो गया? 2/3। दोनों पैरेलल में आंसर हो गया 4/3। कितनी आसानी से, कितनी आसानी से। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में यही हमारे पास आसानी होती है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। ये 1 फैरेड था, ये 1 फैरेड है। ठीक है, अब मान ले मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, अब स्टार्टिंग से करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव लाऊंगा, थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव लाऊंगा। सुनना चाहिए, ये बोला है कि दिस रैदर देन बीइंग 1 फैरेड दिस इज सपोज 5 फैरेड। क्या अभी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है? क्या अभी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है? जवाब अभी भी हाँ ही है। आप लोग देखो वीडियो को पॉज करके सोचते रहना कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तुम्हारे पास है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर क्यों सिमेट्रिकल है? सुनो, ये पॉइंट VA है। एक बार बता, ऊपर का रास्ता 2F, नीचे का रास्ता भी 2F, और ये 5 फैरेड तो ऊपर और नीचे दोनों में बटा हुआ है ना यार, दोनों में बटा हुआ है ना। तो क्या बता, यहाँ से अगर चार्ज क्यू जाएगा और यहाँ से भी चार्ज अगर क्यू जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी क्यू बाई टू का, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी क्यू बाई टू का, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल। और याद कर, जब मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में भी इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला था, तब बीच वाले कैपेसिटर को कंसीडर ही नहीं किया था। बीच वाले के कैपेसिटेंस का वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता। सोच के देख अच्छे से, अगर क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। अगला चीज, अगला एक और चीज, मान ले ये 1 फैरेड है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। मान ले दिस रैदर देन बीइंग 2 दिस इज 4 फैरेड। क्या अभी सिमेट्रिकल मान सकते हैं? अभी नहीं मान सकते बेटा, अभी नहीं है सिमेट्रिकल, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो यहाँ पे जो चार्ज जाएगा यहाँ पे चार्ज अलग जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगा। तब इसके लिए हमें बहुत लंबा मैथड किरचॉफ का लगाना पड़ेगा, बंदा एकदम पागल हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसे सवाल आते भी नहीं है, इनको सॉल्व करने का 4-5 इक्वेशन बनता है और वो बहुत कचड़ा होता है। ऐसे सवाल आते भी नहीं है क्योंकि दीज आर जस्ट योर, क्या कहते हैं, आपका बस कैलकुलेशन कराते रहेगा तुमसे, तुम्हारा बस कैलकुलेशन होता रहेगा और कोई यू नो रिजल्ट नहीं आता। मतलब ये सब सवाल जो है ना, ये सवाल बस बंदे का दिमाग चेक करने के लिए होता है, लेकिन जब यहाँ पे फोन लगा दिया अनसिमेट्रिकल हो गया, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है हमारे से। बहुत लंबा लंबा इक्वेशन बनेगा, कैलकुलेशन होगा, कोई कचड़ा है वो सब। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना हो गया? 2 फैरेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये अगर हो जाए दिस इज 4 फैरेड दिस इज ऑल्सो 4 फैरेड, तब भी सिमेट्रिकल है, तब भी सेम चीज कर सकते हो, ये 1 और 1 गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कोई टेंशन की बात भी नहीं, तुम लोग टेंशन करी मत। मैं तुम लोग को दोबारा से बता देता हूँ, ये 4 फैरेड था, यहाँ पे चार्ज क्यू आया, यहाँ पे चार्ज क्यू आया, ये पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, ये पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, है ना। तो एक बार बता, चार्ज क्यू यहाँ पे भी आएगा, चार्ज क्यू यहाँ पे भी आएगा, इस 1 फैरेड में कोई चार्ज है नहीं, यानी कि यहाँ से चार्ज क्यू का कोई हिस्सा यहाँ पे नहीं आएगा, सारा का सारा हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, तो इसमें भी सारा का सारा हिस्सा आगे बढ़ेगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो खुद बता, सारा का सारा हिस्सा आगे बढ़ा, सारा का सारा हिस्सा आगे बढ़ा, तो 4 फैरेड में जितना का ड्रॉप होगा इस 4 फैरेड में भी, तो उतना का ही ड्रॉप होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम, कैपेसिटेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, कैपेसिटेंस भी सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम। अगेन ये वाला गायब, क्योंकि V2 हो गया, इसके अक्रॉस जो आपका चार्ज है, सॉरी इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया, तो चार्ज इसका गायब। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही बहुत डेप्थ वाला सोचने वाला चीज है, धीरे धीरे टाइम दो, धीरे धीरे तुम खुद तरीका निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, चलो। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल है उसमें शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक कंक्लूजन हमें यहाँ से मिला है कि सिमेट, ये पॉइंट का पोटेंशियल V था, इसका पोटेंशियल V था, याद है कि नहीं? यानी सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लिख लेना यार, सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का सेम पोटेंशियल, यानी कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे रट्टा नहीं मारना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारोगे, प्रॉपर तरीका से लगाओगे कि हाँ यहाँ से चार्ज अगर क्यू जाएगा तो यहाँ से क्यू जाएगा, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा यहाँ पे भी उतना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अगर इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम।
ठीक है, वैसे प्रॉपर दिमाग लगा के करना है, मैं बार बार बताऊँ, रट्टा नहीं माना, फिर में जहाँ रट्टा मारने की नौबत आ गई ना बेटा, बर्बाद हो, ठीक है, बर्बाद हो, प्रॉपर बर्बाद हो। चलो देखो, बोला है नेट कैपेसिटेंस निकालो, फिर से यार ये क्या है, मतलब क्यों देते हो सर, समझ में नहीं आ रहा क्या है, को ना कोई सीरीज पैरेलल ना कुछ। अब बोलेंगे कि सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं बेटा यहाँ पे देख कैसा बन गया कि नहीं, समझ में आ रहा है, दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सॉल्व कैसे करें, देखिए इसका सॉल्व कैसे करें, वही बैटरी इमेजिनरी लगा दे, अच्छा इमेजिनरी बैटरी लगाएगा तो यहाँ से मान लो चार्ज कितना गया Q1, यहाँ से क्या Q1 जाएगा, सोच के देख, नहीं बेटा ये रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है, सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू सी है और हमें, अच्छा मैंने सवाल तो बोला ही नहीं, मैं भी है, मतलब इतना हड़बड़ी में आगे बढ़ जाता हूँ, सवाल पूछा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू सी है और बोला है नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, देख कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी बैटरी लगा, यहाँ से चार्ज Q1 आया तो यहाँ पे Q1 जाएगा क्या, नहीं बेटा यहाँ से कितना जाएगा Q2, क्योंकि ये रास्ता और ये रास्ता सिमेट्रिकल नहीं है, ये बात हमको समझना पड़ेगा, दीज आर नॉट सिमेट्रिकल पॉइंट्स, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बताए, इस कैपा ये वाला रास्ता, ये जो एंट्री है और एग्जिट है सेम है कि अलग है, सोचिए एक बार, एंट्री में जो सिमेट्री है एग्जिट में भी सेम सिमेट्री है कि अलग सिमेट्री है, सेम सिमेट्री है, तो एंट्री में अगर यहां से Q2 आया है तो एग्जिट में यहां से Q2 आएगा, और एंट्री में यहां से Q1 आया है तो एग्जिट में यहां से Q1 आएगा, क्यों, क्योंकि देख टोटल कितना चार्ज घुसा था, Q1 प्लस Q2, तो एग्जिट भी ना बेटा Q1 प्लस Q2 होगा, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी बैटरी का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज घुसेगा, तो ये बात समझ में आई, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे Q1 जाएगा तो यहाँ पे Q2, यहाँ पे अगर इस रास्ते से Q2 आए तो उसी रास्ते से Q2 आएगा, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ से Q1 आया तो यहाँ से Q1 आया, अच्छा इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सोचते हैं, यहाँ पे घुसा कितना Q1, यहाँ से निकला कितना Q1, यानी कि यहाँ पे Q1 आया यहाँ से Q1 निकल गया, यानी कि इस वायर के साथ, इस वायर और इस वायर के साथ कोई चार्ज का ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई चार्ज का ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको अलग से बनाओ ना यार, इसको साथ में क्यों बना रहे हो, आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं समझ में, बस हो गया भाई सॉल्व, ये सब कचरा चीजें मिटाओ, कचरा चीजें मिटाओ, अब तो एक बात बता, अब सॉल्व कैसे हो गया, ये सी और ये सी कैसा है, सीरीज में कि पैरेलल में, दीज टू आर इन व्हाट, दीज टू आर इन सीरीज, सीरीज में ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बेटा C/2, सी और C/2 मिलके पैरेलल में क्या हो जाएगा बेटा C/2, अच्छा ये सी और ये सी मिलके क्या हो जाएगा बेटा C/2, सेम सवाल रेजिस्टेंस में भी आएंगे, अच्छा C/3C/2 और सी पैरेलल में देख कैसे निकालेंगे, 1/C इक्वल, सॉरी सीरीज में इक्वल टू क्या आएगा, 1/C प्लस 1/3C/2 प्लस 1/C, तो इसका आंसर आएगा बेटा, अच्छा सॉल्व कैसे करेगा देख, इसको 3/3C मान ले, इसको भी 3/3C मान ले, डिनोमेटर सबका सेम हो गया, न्यूमेटर क्या हो गया 3+3 6 6+2 8, यानी कि सी इक्विवेलेंट आ गया 3C/8, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा वो क्या होगा बेटा, This will be 3C/8, this will be C/2. अब ये वाला जगह थोड़ा सा याद रखोगे, इस जगह को थोड़ा सा याद रखोगे क्योंकि आगे काम आएगा, ये 3C/8 होता है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ, वो आगे काम आएगा। अब बोलोगे सर कहाँ काम आएगा, बताएंगे ना, काहे टेंशन करते हो, काहे टेंशन करते हो रे। चलो देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में, पैरेलल में तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो सीनेट क्या हो जाएगा, सीनेट क्या हो जाएगा 3C/2 प्लस 3/2, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4C/8, आंसर कितना आ गया 7C/8, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था, काइंडली नोट डाउन इसको कर लो, नोट डाउन देखो ऐसे नहीं कि ये बस नोट डाउन कर लिया, हर एक स्टेप को कॉपी में अच्छे से बनाओ, क्योंकि तुम जब एक दो महीने बाद देखोगे कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा, तब आपको प्रॉपरली हर एक स्टेप को डायग्राम बनाना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा मेहनत है, बाद में तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है, अच्छे अभी नोट्स अच्छे से बना लो बेटा। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो, आप लोग खुद से ट्राई करो करने का, वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, अगेन इमेजिनरी बैटरी एक लगा दे, तो मान ले यहाँ से चार्ज कितना आया है Q1 आया है, यहाँ से चार्ज आया Q1, अब तो देखेगा एक ये वाला रास्ता है जाने का, एक ऊपर से स्ट्रक्चर बना है
और एक नीचे से स्ट्रक्चर बनाया, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू सी है, पहली बात ये, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू सी है, आइडेंटिकल है सारे के सारे कैपेसिटर्स। यहां से अगर चार्ज Q1 जाएगा तो नीचे से कितना चार्ज जाएगा? Q1 ही ना जाएगा, क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर और नीचे का स्ट्रक्चर दे आर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल। व्हाट आर दे आर सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो एक बार बता, पहली बात ये, यहां से कितना जाएगा? Q2 जाएगा। अब हमको पता है कि चार्ज एंट्री जैसा हो रहा है एग्जिट में भी सेम, सॉरी यहां पे मैंने बनाना भूल गया, एंट्री जैसा हो रहा है एग्जिट में भी सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही स्ट्रक्चर है, तो यहां से Q1 आया तो यहां से Q1 जाएगा, यहां से Q2 आया तो यहां से Q2 जाएगा, और यहां से Q1 आया तो यहां से Q1 जाएगा। दैट इज प्रीटी मच फाइन, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा एक बार बता, यहां से Q2 जाएगा और यहां से Q2 घुस रहा है और यहां से भी Q2 घुस रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वायर का इन दोनों वायर से कोई रिश्ता नहीं है? इस वायर का इन दोनों वायर से कोई रिश्ता नहीं है, यानी कि ये दोनों वायर क्या हो गए? अलग हो गए। अलग हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से Q1 आया तो यहां से Q1 गया, यहां से Q1 आया तो यहां से Q1 गया। अब कौन सी बड़ी बात है, अब सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है बता? बीच वाले का सी और सी मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? C/2। ऊपर वाले का जो नेट कैपेसिटेंस है, याद है ऊपर वाले इसका पूरा नेट कैपेसिटेंस हमने 60/8 निकाला था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? वो साइड में मेरा वीडियो में जो मैंने बनाया दिख रहा होगा, आई होप। दिस विल बी व्हाट? 3C/8। दिस विल बी व्हाट अगेन? 3C/8। तीनों कितने पैरेलल में, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 3C/8 प्लस 3C/8 प्लस C/2। 3C/8 प्लस 3C/8 कितना हो गया बेटा? 6C/8 प्लस C/2। ऐसा कर ऊपर नीचे, अच्छा ये कितना 3C/4 हो जाएगा कि नहीं? 3C/4 हो जाएगा। ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2C/ क्या हो गया ये? 4। आंसर कितना हो गया बेटा? 5C/4। तो द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज 5C/4। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, पिछला सवाल ही है लेकिन इसका इसका अप्रोच थोड़ा सा, मतलब एक और तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पिछले सवाल में हमको यहाँ तक का लीड मिल गया था कि ये हो रहा है हमारा न्यू डायग्राम, ये हो रहा है हमारा न्यू डायग्राम, यहाँ तक हमको यू नो मतलब क्या कहते हैं नॉलेज मिल चुका था। अब यहां से हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। तरीका क्या है? ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट का पोटेंशियल मान ले V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान ले VA है, तो मेरे को खुद एक बात बता, ये भी कैपेसिटेंस सी, ये भी कैपेसिटेंस सी, दोनों में चार्ज भी सेम जा रहा है, दोनों में चार्ज सेम जा रहा है, तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम, पोटेंशियल ड्रॉप सेम, तो ये VA-V1, तो ये भी VA-V1। सिमिलर फॉर दिस ऑल्सो, दिस विल बी V2, दिस विल बी V2। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी डाउट? ठीक है बेटा। अच्छा ये तो हमारा नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम V3 दे दे, हालांकि इसको नहीं देने से भी चलता, तो ये भी क्या हो जाएगा? V3 सिमेट्रिकल, ऑपोजिट पॉइंट का पॉइंट सेम होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दो जो पॉइंट मिला इसको लिखो, ए बी 1 2 3। समझ में आ रहा है? चलो ए और 1 के बीच में कितना है? VA और V1, VA और V1 कितना? अच्छा इसको ऐसा लिख ले VA, ताकि तेरे को कंफ्यूजन ना हो। V3 V1 V2, VA और V1 के बीच में 2 है कैपेसिटर, याद है मैंने ऐसा पहले भी कराया था, ऐसा पहले भी कराया था। नेक्स्ट V1 और V2 दो है, तो जो जो हो चुका है उसको एक बार हम लोग टिक लगा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा काम। ये टिक, V1 V2 टिक, V2 VB टिक, ये भी हो गया। नेक्स्ट V1 V3 ये दोनों भी टिक हो गया, V1 V3 ये मार्कर में उतना दम है नहीं, थोड़ा सा दम वाला मार्कर लेते हैं, क्योंकि दम वाला सवाल है, दम वाला मार्कर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा VA और VB के बीच में 2 है, ये हमारा डायग्राम बन गया, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब एक बार सॉल्व करते हैं, देख इसका अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम होगा A और B के बीच में, ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा बेटा आपका? सी और सी, C/2। ठीक है, ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा? 2C। ये दोनों मिलकर भी कितना हो जाएगा? 2C।
क्योंकि सब पैरेलल में दिख रहा है अपने को, ये भी कितना हो गया 2c, अच्छा 2c और 2c मिलके कितना हो गया बेटा c, क्योंकि दोनों सीरीज में है, c और 2c मिलके कितना हो गया बेटा 3c, क्योंकि पैरेलल में है, 3c 2c 2c 3c, ये क्या है बेटा आपका किस कौन से उसमें है, ये हमारा है बेटा सीरीज में, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, 1 by c equivalent कितना हो गया 1 by 2c plus 1 by 3c plus 1 by 2c, ऐसा कर ऊपर नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 by 6c इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 by 6c plus इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 by 6c, फाइनली जो आंसर आएगा बेटा 6 एलसीएम जाएगा 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 by 6c, अच्छे से देखेगा तो C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है बेटा आपका 3C by 4, यानी ये कितना हो गया, थ्री सी बाई फोर और C by 2 क्या है पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा 3C by 4 plus C by 2, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर कितना आ रहा है 5C by 4, देख अलग तरीका लेकिन रिजल्ट हमारा सेम, पहली बात जो मैंने नीचे लिखा है वो दिख रहा है क्या, हाँ भाई पूरा एकदम नीचे आया है लेकिन दिख रहा है अपने को, रिजल्ट सेम है तरीका अलग है, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ सेम पोटेंशियल, ये तो अपने को पता है, अब ये सेकंड पॉइंट में आओ, पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल आर सेम पॉइंट्स, यानी कि V1 और V1 इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों को मैंने सेम पॉइंट बोल दिया, ये भी वन पॉइंट ये भी वन पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है, एंड हेंस कैन बी मर्ज्ड, इसका क्या मीनिंग है देख समझ में आई क्या होगा, अच्छा क्या बता ये वन और ये वन में कोई अंतर है नहीं, तो इस वन को मैं इस वन के साथ उठा के लगा सकता हूँ कि नहीं, अब इमेजिन कर ये पूरा का पूरा वायर से बना है, वायर का मैश से बना, और वायर पता है ना मोड़ने से मुड़ जाता है, कॉपर वायर मोड़ने से मुड़ जाता है, तो पूरा मान ले मैश कॉपर वायर से बना हुआ है, तो वन वाले को वन वाले के साथ लगाओ, तो इस ये दो पन्ने हैं, वन वाले के साथ लगेगा, टू वाले के साथ लगेगा, थ्री वाले के साथ लगेगा, तो मैं इस पूरे मैश को उठा के अगर ऐसा लपेट मार दूं ऐसा बन जाएगी नहीं, ये पूरा मैश को कागज के दो पन्ने मान इसको, आई होप बहुत बच्चों को समझ में आई क्या होगा, ये मान लो डीसे पांडे बुक सॉल्व करा ही नहीं पाए, क्या कर सकते हैं वीडियो में क्या ही कराएं, देखो ऐसा है ये साइड है ये साइड है, मैंने इनको ऐसा लगा दिया, क्यों, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है सेम, तो हमारे पास क्या आ गए ये और ये जब सेम आ गए, पहले बुक में रख देता हूं, तो अच्छे से देख हमारे पास यही डायग्राम बनेगा, ये और ये जब मर्ज हो जाएंगे तो अच्छे से देख ये वाला क्या हो जाएगा पैरेलल में, सोच के देख सिमिलरली ये वाला जब इससे मर्ज होगा तो ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल में क्यों ना हो, व्हाट डस पैरेलल मीन, पैरेलल मींस कि वो दोनों जो दो कैपेसिटर है दोनों सेम पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए हैं, व्हाट डस पैरेलल मीन, पैरेलल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि दो अगर कैपेसिटर पैरेलल में है यानी बोथ आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट ए एंड बी, सपोज अच्छे से देख ये कैपेसिटर भी 1 और 2 के बीच में लगा है, ये कैपेसिटर भी 1 और 2 के बीच में लगा है, तो बोथ आर एक्चुअली पैरेलल, जो कि यहाँ पे शो किया है मैंने, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, देख बहुत सारा तरीका है इसको करने का, बहुत सारे तरीके करने के, अब तुम जब कोचिंग में पढ़ोगे कोचिंग स्कूल में पढ़ोगे तो वो बोलते ट्रिक है, ट्रिक क्या बोलते हैं मैं बताऊँ, ट्रिक भी सुन ले, ट्रिक बोलते हैं मिरर ट्रिक, मिरर इमेज में क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि जब तुम्हें ऐसा डायग्राम मिलेगा तो बीच में से मिरर मानो और इसको लपेट मार लो, लपेट मार के जो बनता है उसको सॉल्व कर लो, ये कोई तरीका हुआ समझाने का, मतलब मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर लॉजिक लगा के सोचना है अपने को, और ये सब पॉइंट्स अगर दिमाग में रखेगा, देखिए ये सब पॉइंट्स याद करने का कुछ है नहीं, जस्ट सिंपल सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकली चार्ज बांटो, पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो सब पॉइंट्स को सेम मानो, पॉइंट्स अगर सेम है तो मर्ज कर दो, वो तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, बात खत्म, और उसके बाद जैसे सॉल्व करना है सर, आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, और नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सएप टेक्स्ट करो भाई या कॉल करो, इस सवाल में हमको बोला है ए और सी के बीच में निकालने के लिए नेट कैपेसिटेंस, पहले ए और बी के बीच में था, अभी ए और सी के बीच में, दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, आपको ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, अगेन कुछ अपने को कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सिंपली इमेजिन एक बैटरी कंसिडर कर जिससे चार्ज, मान ले यहां से कुछ एक चार्ज आ रहा है तो यहां से कुछ एक चार्ज निकलेगा, यहां पे बैटरी लगा दी हमने, अब मान ले यहां से चार्ज कितना जा रहा है Q1, क्योंकि देख भाई अब ये रास्ता और ये रास्ता तो अलग अलग है तो सब में चार्ज क्या होगा अलग अलग होगा, इतना अपने को पता है, सेम क्या होता है परफेक्ट सिमेट्री जब होती है, अब तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे भी थोड़ी पार्शियल सिमेट्री है, चार्ज Q1 आया तो ये पता बता, जहां से अगर चार्ज Q1 आया यहाँ पे
एंट्री के टाइम तीन रास्ते हैं, एग्जिट के टाइम भी अच्छे से देख तीन रास्ते हैं। दिस इस रास्ते का एनालॉगस रास्ता ये रास्ता, इस रास्ते का एनालॉगस रास्ता ये रास्ता, और इस रास्ते का एनालॉगस रास्ता ये रास्ता। ये समझ में आया कि नहीं? यानी कि यहां से अगर Q1 आया तो यहां से भी क्या जाएगा बेटा, Q1 जाएगा। ये बात समझ में आया? यहां से Q2 आया तो यहां से भी क्या जाएगा, Q2 जाएगा, क्योंकि ये एंट्री एग्जिट का सिमेट्री है। Q3 आया तो यहां से क्या जाएगा बेटा, Q3। अपने को ये समझ में आ गया। अब तो एक बार बता, यहां से अगर Q2 जाएगा तो यहां से भी क्या, यहां से Q2 जा रहा है, यहां से भी Q2 आ रहा है, कोई कोई बात नहीं, समझ में आया। अब एक बात देख, यहां से Q1 आया, यहां से Q1 आया, इतना तो अपने को पता, इतना तो अपने पता है कि यहां से जो चार्ज आएगा यहां से वो निकलेगा। तो यहां पे कोई चार्ज का ट्रांजेक्शन हुआ, यहां पे कोई चार्ज का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, मतलब ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से क्या है बेटा, अनचार्ज। यानी कि इसको इग्नोर कर, इसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट, Q2 यहां से आया, Q2 यहां से निकल गया, यानी कि इन दोनों वायर में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इन तीनों से कोई संपर्क नहीं है, इन तीनों से कोई संपर्क नहीं, तो इन तीनों को अलग से बना दे। फाइनल हमारा डायग्राम ऐसा बन गया कि नहीं? अब तो मेरे को एक बात बता, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि ये और ये वाला बीच वाला हट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस अभी क्या है, बात खत्म, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, देख ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको मैं सॉल्व एक बार करने का ट्राई करता हूं। सी 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 और सी मिलके C by 2 और C by 2 पैरेलल में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यानी आंसर कुछ ऐसे आएगा। इनका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C C C C by 2 C by 2 C। ये भी C और ये भी C, तो C C C कितना हो गया बेटा, C by 3 C by 3 और C, आंसर आ गया 4 C by 3। आंसर कितना आ गया, 4C/3। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, सिंपल है यार, खुद भी कर सकते हो। अच्छा, इसका एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है, मैं आपको क्या बताता हूँ, सुनो, एक और ट्रिक है, वो ट्रिक देख फॉलो करना है, कर नहीं करना है मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, ट्रिक एक बार बता देता हूँ, सुन लो, क्लास में होता तो और बढ़िया से मैं टाइम देखे एक्सप्लेन भी कर पाता। ये था हमारा डायग्राम, तुम लोग ऐसा ढूंढो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, एग्जैक्टली बीच में एक लकीर खींचो, क्या एग्जैक्टली बीच में ये वाली लकीर होगी, क्या ये वाली लकीर होगी, इस लकीर, दिस लकीर का हर एक पॉइंट एग्जैक्टली हाफ वे में है। अच्छे से देख, बताता हूं मैं, जैसे कि मान ले इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। तो ये एग्जैक्टली मिडिल में है ना, इस रास्ते से एग्जैक्टली मिडिल में है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 50 वोल्ट। इस रास्ते से भी मिडिल में है, तो इसका भी कितना होगा, 50 वोल्ट। अच्छे से देख, ये रास्ते में भी मिडिल में है तो ये भी कितना होगा, 50 वोल्ट। इस पॉइंट का कितना होगा, करीब करीब 75 वोल्ट। इस पॉइंट का करीब करीब कितना होगा, सॉरी 25 वोल्ट। वो अलग बात है, वो हम निकाल सकते हैं, वो बाद में निकालेंगे। ये वैसे भी ये दोनों सही वैल्यू मैंने नहीं लिखी, ये बस अंदाजे में लिखा है। ये बात बताओ, क्योंकि देख चार्ज पूरा रास्ता घूम के आया है, तो इनिशियल पॉइंट 100 वोल्ट, फाइनल पॉइंट 0 वोल्ट, तो एक्जेक्टली बीच वाला पॉइंट में क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। अच्छा, एक बात बता, ये 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 50, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फाइनल डायग्राम ये बन गया, समझ में आया कि नहीं, फाइनल डायग्राम ये बन गया। बात करता हूँ, सॉल्व कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात। अब अपने को पता है कि यहाँ से जो चार्ज जाएगा यहाँ से वो चार्ज जाएगा, फिर से अलग कर दे, सेम चीज आ गया। तो इसको फिर मिरर सिमेट्री बोलते हैं कि एग्जैक्टली अगर बीच में का, तो बहुत सारे टेक्निक है। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, देखो तुम कैपेसिटर रेजिस्टर का अगर सीरीज, मतलब ऐसा टिपिकल सम करने जाओगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक शोन बाय थाउजेंड्स ऑफ टीचर। सारे टेक्निक फॉर्मूलों को कुछ याद मत कर, याद नहीं कर सकते, ये बस मान लो, क्योंकि ये सब याद करके जाओगे क्या गारंटी NWT में सवाल आएगा, ये क्या गारंटी JEE में इसमें सवाल आएगा। JEE में 25 सवाल आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक ही सवाल आता है, और वो पोटेंशियल मीटर को उठा के दे देगा, मतलब इस टॉपिक से नहीं, किसी और टॉपिक से उठा के दे देगा, है ना। ये कैपेसिटर तो इतना बड़ा है, कोई और टॉपिक से उठा के दे देगा, तो कोई गारंटी नहीं सब सवाल आएंगे। तो इन सब सवालों में ज्यादा स्ट्रेस मत दो, बस खुद के ब्रेन को एज ए फ्लूइड काम करने दो,
खुद का ब्रेन जब फ्लूइड की तरह काम करेगा ना, अपने समझ में आ जाएगा हाँ ये पॉइंट का ये पोटेंशियल है, ये पॉइंट का वो पोटेंशियल है, दोनों लगेंगे या दोनों कटेंगे। प्रैक्टिस करते जा, प्रैक्टिस करते जा, आराम से आते जाएगा। अच्छा एक और चीज, आज का वीडियो तुम लोग देखने से पहले किरचॉफ लॉ के सवाल अच्छे से कर लो, वरना एक बार किरचॉफ लॉ के सवाल कर लो अच्छे से, फिर ये सब वीडियो बहुत आसान लगेंगे तुम लोग को। ठीक है, तो ट्राई टू फोकस ऑन किरचॉफ लॉ, आफ्टर यू नो आफ्टर दैट यू कम टू दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो, ये ए और बी है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पहले क्या था, ए और डी के बीच में, हमने ए और बी के बीच में निकाला था, ए और सी के बीच में निकाला था, ए और डी के बीच में भी निकालोगे। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है, दोनों सवाल करो, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के सवाल है। ठीक है, कर लो भाई।